वन विभाग के उड़नदस्ता दल ने की छापामार कार्रवाई। अवैध सागौन व अन्य लकड़ियों सहित लाखों का माल किया जब्त। आरा मशीन व अन्य औजार भी हुए जब्त। मामले की जांच में जुटा वन विभाग। वन परिक्षेत्र रूखड़ अंतर्गत ग्राम बादलपार का है पूरा मामला। सिवनी जिले के वन परिक्षेत्र रूखड़ अंतर्गत ग्राम बादलपार में वन विभाग के उड़नदस्ता दल ने छापामार कार्रवाई कर अवैध लकड़ियों का जखीरा जब्त किया है। वन विभाग के उड़नदस्ता दल ने मुगविर की सूचना पर सीताराम रघुवंशी पिता ताम सिंह रघुवंशी उम्र लगभग 36 वर्ष के बादलपार स्थित पटेल बाबा फर्नीचर मार्ट में छापा मारा, जहां से अवैध लकड़ियों का जखीरा बरामद किया गया, जिसमें सागौन की सिल्ली, दरवाजा, चौखट, पल्ले चिरान, सिल्ली सहित आरा मशीन और औजार बरामद किए गए। सूत्रों के अनुसार आरोपी सीताराम रघुवंशी को वन परिक्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र में फर्नीचर मार्ट का लाइसेंस नियम विरुद्ध तरीके से दिया गया था। उक्त कार्रवाई के बाद फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गया है। जांच के बाद कई तथ्य भी निकल कर सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BH News Network, सिवनी।